फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी फॉर डिले, बिकॉज कुछ ऐसा शेड्यूल हो जाता है कि हम बिजी हो जाते हैं. तो लेकिन आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको कंटिन्यूसली जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है अलजबरा, उसे रिलेटेड वीडियोस देते रहें. तो हमने अलजबरा का फर्स्ट चैप्टर ग्रुप स्टार्ट किया था. हमने उससे रिलेटेड ग्रुप की भी, ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, फोर प्रॉपर्टीज उनको पढ़ा. कौन कौन सी फोर प्रॉपर्टी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. और आफ्टर दैट कॉम्पिटेटिव प्रूफ करने के लिए, कॉम्पिटेटिव ग्रुप के लिए, सॉरी अबेलियन ग्रुप के लिए कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ की थी. उसके बाद उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल की थी. आज हम अपने इस टॉपिक में परमोटेशन को कवर करेंगे. परमोटेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन जो पहले परमोटेशन किया है वो हमने प्लस वन क्लास में नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग किया हुआ है. आज हम करेंगे परमोटेशन इन ग्रुप थ्योरी. परमोटेशन इन ग्रुप थ्योरी. विद ग्रुप थ्योरी में परमोटेशन क्या है? परमोटेशन ग्रुप थ्योरी में क्या है आज हम वो पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भी कैसे हम परमोटेशन को ग्रुप प्रूफ करेंगे. आज हम ग्रुप थ्योरी में परमोटेशन का मीनिंग क्या है वो डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट इस परमोटेशन को ग्रुप प्रूफ करेंगे. तो आइए हम देखते हैं परमोटेशन है क्या. परमोटेशन में हमारे पास एक सेट है. वी हैव अ सेट एस. आपके पास एक सेट है एस, उसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एस ऑन एन, एन एलिमेंट्स है, ठीक है, सेट एस. परमोटेशन क्या है? कहते हैं अगर एक सेट की, इफ अ सेट हैज वन वन एंड ऑन टू मैपिंग ऑन इटसेल्फ. अगर एक सेट की अपने ही सेट के साथ ऑन इटसेल्फ लिखा है, अपने ही सेट के साथ वन वन एंड ऑन टू मैपिंग बन रही है, तो वो जो मैपिंग है ग्रुप थ्योरी में परमोटेशन होती है. ठीक है, क्या समझ में आया? अगर एक सेट की अपने ही सेट के साथ जो मैपिंग बन रही है वो मैपिंग वन वन भी है और ऑन टू भी है, और वन वन ऑन टू है, तो वो जो मैपिंग है वो ग्रुप थ्योरी में परमोटेशन बन जाती है. तो अगर मैंने यहां पे एस सेट लिखा है तो यहां पे भी क्या होगा, मेरे पास एस सेट होगा. इट हैज आल्सो एन एलिमेंट, बिकॉज इट सेल्फ लेना है, सेम एलिमेंट आएंगे सेट में. तो यहां से लेके यहां तक जो मैपिंग एफ, जो मैपिंग एफ डिफाइन हो रही है, ठीक है, एफ क्या होगी, जो मैपिंग है एस टू एस इटसेल्फ इज क्या होगी, एक तो वो वन वन होगी, सेकंड कंडीशन वो ऑन टू होगी. अगर वो वन वन और ऑन टू है, देन दिस मैपिंग, जो ये एफ मैपिंग वाली बन रही है, ये मैपिंग क्या हो जाएगी हमारी, परमोटेशन. ठीक है, सिंपल है. अब मेन क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखो मेन की इसके हर एक एलिमेंट के साथ वन वन मैपिंग बन रही है, यही है हमारे पास वन वन है. ऑन टू इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज है, ऑल एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है. अब थोड़ा सोचो, हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये वन वन एंड ऑन टू जो मैपिंग हमने बनाई है, नेसेसिटी तो नहीं है कि ये ऐसे ही जाएगी, किसी और मेथड से भी ये एक दूसरे के साथ रिलेशन बना सकती है. ठीक है, तो देखो वो रिलेशन से ही हम परमोटेशंस डिफाइन करेंगे भी एक सेट में हम कितनी वन वन एंड ऑन टू मैपिंग्स बना सकते हैं. देखो मैंने यहां पे बिल्कुल सीधा बनाया है, ये भी तो हो सकता है. मैंने मान लो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स है मेरे पास, ठीक है, एक सेट 1, 2, 3, 4. तो यहां पे मैंने एक बार तो मैपिंग ऐसे ले ली, सेकंड टाइम मैंने क्या किया, एस सेट है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, सेकंड टाइम मैंने नीचे से स्टार्ट कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी तो वन वन ऑन टू है. थर्ड टाइम मैंने 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये है सेट. मैंने फर्स्ट की फर्स्ट के साथ मैचिंग कर दी,
टू और थ्री को चेंज कर दिया, फोर को फोर मैंने सेम रख दिया, इट इज ऑल्सो वन वन एंड वन टू। और क्या मैपिंग बना सकती हूँ मैम? एस एस एलिमेंट है वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो ये बना सकती हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या कर दिया, वन और टू को चेंज कर दिया, थ्री और फोर को मैंने क्या रख लिया, सेम रख लिया। ऐसे मैं वन वन एंड ओन टू मैपिंग्स डिफाइन कर सकती हूँ ना भी, ऐसे हम परमोटेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन आइज होता है कि कितनी परमोटेशन आएंगी, कि ऐसे रिलेशन मैं कितने बना सकती हूँ। तो कितने हम रिलेशन बना सकते हैं, नंबर ऑफ परमोटेशन जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ परमोटेशन। ठीक है, इफ एस हैज एन एलिमेंट, अगर एन एलिमेंट है एस के पास, तो हमारे पास जो परमोटेशन आएंगी ना वो एन फैक्टोरियल आएंगी। कितनी आएंगी, एन फैक्टोरियल। दैट मींस जब आप उसका एन फैक्टोरियल निकालोगे, उसको उतने टाइम तक आप परमोटेशन यानी कि उसको परमोटेशन में लिख सकते हो। दैट मींस उसको वन वन और ऑन टू मैपिंग में आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने फोर एलिमेंट लिए थे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सोचूं फोर फैक्टोरियल, फोर थ्री टू वन, यही बनेगा मेरा। तो कितना बन गया, 24। दैट मींस जो ये मैं लिखना स्टार्ट कर रही थी ना, इस चीज को मैं 24 टाइम्स वन वन एंड ऑन टू रिलेशंस में लिख सकती हूँ। कितने टाइम्स, 24 टाइम्स। तो 24 मेरी ये परमोटेशन आ जाएंगी एस फोर ग्रुप की, जिसमें फोर तक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्या था पहले हमने किया परमोटेशन। परमोटेशन क्या है, इज अ मैपिंग। ग्रुप थ्योरी में परमोटेशन क्या है, इज अ मैपिंग विच इज वन वन एंड ऑन टू, वन वन और ऑन टू होनी चाहिए, तो ये मैपिंग है वो क्या हो जाएगी, परमोटेशंस। फिर ये वन वन एंड ऑन टू जो हमने मैपिंग लिखी है, ये जरूरी नहीं है सिर्फ यही रिलेशन फॉलो करेगी, कहीं रिलेशन फॉलो कर सकती है। तो कितनी परमोटेशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक सेट की अपने सेट के साथ ही, एक सेट की अपने इटसेल्फ अपने सेट के साथ ही कितनी परमोटेशन निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं एन फैक्टोरियल। जितनी उसकी जितने उसमें एलिमेंट्स हैं उसका फैक्टोरियल कर लो, तो आप उतनी उसकी परमोटेशन निकाल सकते हो। अब हम करेंगे भी, हम कैसे परमोटेशन निकालते हैं, एक स्मॉल एग्जांपल लेते हैं। पहले एक एग्जांपल, आफ्टर दैट टाइप ऑफ परमोटेशन हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल है, हमने पूछा है एग्जाम्पल है, और हम एग्जाम्पल वी हैव अ सेट एस विच कंटेन्स वन टू थ्री, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड इट्स परमोटेशन। हमने इसकी परमोटेशन फाइंड आउट करनी है। एक चीज और थी, हमने वो तो देख लिया, नंबर ऑफ परमोटेशन कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास सेट था एस सेट से लेके एस तक हमारी एफ मैपिंग थी, ठीक है, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट, यहाँ पे भी एलिमेंट तो सेम ही होंगे। वन की इमेज हो सकता है थ्री आए, टू की इमेज हो सकता है वन आ जाए, थ्री की टू, फोर की फोर, ऐसे इमेजेस आ सकती है ना। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, परमोटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। परमोटेशन को हम ऐसे इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेट है वन, तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे एफ वन टू थ्री फोर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वही एलिमेंट्स लिख लेंगे जो हमारी सेट में है। तो इसके बाद जब हमने इसका एफ ऑफ वन लगाया, तो इसके नीचे क्या आएगा, एफ ऑफ वन, इसकी क्या इमेज आ रही है, टू के नीचे एफ ऑफ टू, इसके नीचे एफ ऑफ थ्री, इसके नीचे एफ ऑफ फोर। ठीक है, तो इसकी इमेजेस कैसे लिखेंगे, ये लाइक इस चीज में हमारा वो परमोटेशन डिफाइन की जाती है इस रिलेशन में। ठीक है, अगर एन एलिमेंट हम लिख देते हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, तो उसकी जो इमेजेस आएंगी ए वन एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ ए थ्री, एस ऑन चलता जाता है, एस ऑन एफ ऑफ ए एन, यहाँ पे ए एन तक एलिमेंट होंगे, इसे हम इस ग्रुप में लिख लेंगे।
ठीक है, पहले तो अब हम एग्जांपल्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बीच में ही आपको बताऊंगी भी कैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब देखो यहाँ पे एस जो ग्रुप दिया है, सॉरी जो सेट दिया है, ग्रुप नहीं अभी हम बोल सकते, जो हमें सेट दिया है, इस सेट में ठीक है हमने परमुटेशन फाइंड आउट करनी है भी कितनी परमुटेशन आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो एलिमेंट चेक करो, 1 2 3 थ्री एलिमेंट है, दैट मींस 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ गया, 6, दैट मींस की जो परमुटेशन बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 6 बनेंगी। अब 6 परमुटेशन कैसे बनेंगी, तो ब्रैकेट में लिखते हैं हम इसको 1 2 3 1 2 3, आपकी मन मर्जी है 1 by 1 कर लेना चाहे ब्रैकेट लिख लो, ठीक है। अब फर्स्ट मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3, एक तो हम सीधा ही बना लेते हैं, सेम एलिमेंट के साथ सेम एलिमेंट की रिलेशन बन रहा है। अब इसको कैसे घुमाना है, बस इसको क्या 3 को जैसे हमने सेम रख दिया, पहले हमने 2 × 1 लिख दिया, 2 और 1, यानी कि इन दोनों में रोटेशन कर दी, 3 को हमने क्या रख दिया सेम। आफ्टर दैट इसमें हमने क्या कर दिया, किसी को भी सेम रख लो, 3 और 1 की रोटेशन कर दी, 2 सेम रख दिया, एक एलिमेंट को हमने सेम रख दिया, आगे पीछे रोटेशन कर दी, यहां पर 3 को सेम रख दिया था। अब 1 को सेम रख देते हैं, 1 2 3, 1 को सेम रख देते हैं, 3 2, ये आ गया, ठीक है। अब 2 रिलेशन और बनेंगे हमारे, 6 रिलेशन बनेंगे, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखो रे क्या आएगा, सारे स्टील करने शुरू कर दिए अभी हमने, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं, 1 की इमेज लिखते थे 2 आ गई, 2 की 3, 3 की 1, टोटल साइकिल बना दिया हमने, 1 की 2, 2 की 3, तीनों को घुमा दिया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 है, उसके बाद हम इसलिए लिखते हैं 3, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 1, इसकी इमेज 2, क्या ये आया हुआ, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 2 है, नहीं नहीं आ रहा ना, ऐसे हमने इसको रोटेट कर दिया रजी, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बेस है, जैसे आप इस सेट को इन 6 परमुटेशंस में लिख सकते हो, इन 6 मैपिंग्स को बना सकते हो। जो मैंने ये लिखा है ये हमारी इस तरफ इमेज आ रही है, जो हमारी ये f(1, f(2) आ रही थी, यहाँ पे हमने जो बनाई थी इमेज f(1) की, क्या इमेज आ रही थी हमारे पास, 3, दैट मीन यहाँ पे f(1) के नीचे क्या लिखा जाएगा, 1 × 3। अब 2, f(2) की इमेज क्या आ रही है, 2 की क्या आ रही है, 1, 3 4 था, फिर 3 की इमेज क्या आ रही है, 2, 4 की 4, इसके अकॉर्डिंग हमने ये बनेगी, जैसे हमने ये लिखना सीखा था अभी कैसे लिखते हैं, बस ऊपर सेम एलिमेंट आएंगे 1 2 3, नीचे उनकी इमेज आएगी, क्या इमेज बन रही है उनकी। तो ये हो गया, अब इसमें एक चीज और बतानी है, अब देखो यहाँ पे 1 से 1 2 से 2 3 से 3 सेम है ना, अगर सेम होता है तो इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी परमुटेशन। अगर आपके एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है तो उस टाइप के परमुटेशन का जो मैपिंग बन रही है, सेट्स की जो मैपिंग बन रही है, उसे हम बोल देते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। सेम एलिमेंट के साथ है तो आइडेंटिटी परमुटेशन। अब इसको भी हम कैसे किस वे में लिख सकते हैं, अब कुछ सोच रहे थे, यहाँ पे 1 से 2 इसको ना सेकेंड वे से कैसे लिख सकते हैं, 3 स्टील है सेम है तो साइकिल यहाँ तक है, इसको हम 1 और 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की इमेज 2 आ रही है, 2 की 1, तो 1 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 सेम है, 1 2 3 है, 3 2 1 है, तो 1 2 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये भी 1 की 3 जाएगी और 3 की अगेन 1 आ जाएगी, 2 स्टील है। अगर इसको आपको ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है किसी सम्स में ऐसा आ जाता है भी S3 में परमुटेशन मैपिंग बनाओ व्हेन आपके पास 1,3 दिया हो, अगर ऐसा कुछ दिया है तो दैट मीन जो आपका 2 एलिमेंट है ना उसकी सेम इमेज बनेगी। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 2 3 1 2 3, इस मैपिंग को आप रिप्रेजेंट कर दोगे 1 के साथ 1, क्योंकि 1 के साथ 3 के सॉरी 1 के साथ 3 के साथ है, तो 1 की 3 और 3 की 1, 2 आपके पास क्या आ जाएगा सेम, ऐसी मैपिंग बन जाएगी। ये मैपिंग आपकी 1 1 की है और ऑन 2 भी है, अगर ये मैपिंग आपकी 1 1 ऑन 2 है परमुटेशन होगी, परमुटेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही है, 1 और 3 के अकॉर्डिंग,
ठीक है, इसीलिए हम इस साइकिल को अगर ऐसे लिखा हुआ है एस थ्री के अकॉर्डिंग तो ये है, अगर एस फोर में भी ये लिखा हो ना, मैंने एस फोर का लिख दिया ना, तो भी सेम चीज हो जाएगी आपके पास, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे फोर तक एलिमेंट लेंगे हम, फोर तक एलिमेंट लेंगे, साइकिल किसमें चलेगा, वन और थ्री में, वन और थ्री में दोनों क्या हो जाएंगे सेम, विच इज ऑल्सो वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। तो इस चीज को जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, इसको आप फुल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब ऐसे साइकिल्स में आप लिख सकते हो, अब यहां पे भी देखो वन सेम है और थ्री और सॉरी टू इंटू थ्री का बन रहा है, टू की इमेज थ्री आ रही है, टू इंटू थ्री का साइकिल बन रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट ये वन की टू जा रही है, टू की थ्री, वन की टू, टू की थ्री, थ्री की अगेन वन, ऐसे बनेगा ये वन की थ्री और थ्री की टू, टू की वन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मुलेशन में जो इमेज के अकॉर्डिंग बनेगा ये, क्योंकि वन की क्या आ रही है थ्री, हमने वन से स्टार्ट किया, वन की आ रही है थ्री, फिर थ्री की क्या बन रही है टू, तो थ्री की टू, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ये एग्जाम्पल होगी हमारे परमोटेशन के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हो। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन पहले टाइप्स देख लेते हैं। अभी देखो जैसे आइडेंटिटी है ये, ठीक है,